अमरपाटन में झरने में नहाते समय सेल्फी लेना दो युवकों को भारी पड़ गया। सेल्फी लेने के चक्कर में दो युवक तेज बहाव में बह गए। पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों का शव बरामद कर लिया है। मैहर जिले में हुई जोरदार बारिश से सभी जलाशय लबालब हो गए। इस दौरान अमरपाटन में जजौआ झरने से सेल्फी लेने के चक्कर में दो युवक तेज बहाव में बह गए। दरअसल दोनों युवक अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने निकले थे। सभी जजौआ झरने के पास पहुंचे और फोटोग्राफी करने लगे। इसी दौरान पैर फिसलने से वे पानी में गिर पड़े। एक दूसरे को बचाने की कोशिश में पांचों डूबने लगे। बाकी दोस्तों बचकर बाहर निकल आए, लेकिन बिज्जू और साहिल पानी की तेज धार में बह गए। घटना की सूचना मिलने पर तहसीलदार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू दल ने बहे युवकों की तलाश शुरू की। कुछ ही देर में बिज्जू का शव बरामद हो गया। वहीं लापता हुआ दूसरा युवक साहिल का शव 4 घंटे बाद देर रात मिला। सर अपन लोग यहाँ 5 बजे पहुँचे हैं। सर 5 बजे पहुँचे हैं तो थोड़ा बहुत सर ऊपर पहले अपन घूमे हैं, नीचे साइड आए, नीचे साइड घूमे हैं, फिर सर ये दोनों शर्ट उतारे हैं अपनी दोनों, और सर ये लोग उधर निकल गए हैं सेल्फी लेने के लिए। फिर हमने कहा कि उधर ना जाओ, फिसल बहुत ज़्यादा है, पैरते तो अपन से बनता नहीं, कभी यहाँ आए ही नहीं। अब घूमने भागने अपन लोग आ गए तो घूम लेते हैं फिर चलते हैं। तो सर ये लोग गए हैं सेल्फी ले रहे थे, तो हमने मना किया कि भाई वहाँ फिसल जाओगे। फिर ये लोग बोले कि गुरु ऐसा लग रहा कि फिसल जाएंगे। फिर हम बोले कि एक मिनट रुको, हम लोग आ रहे हैं तो वहाँ से हाथ पकड़ के निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन लोग 3 लोग सर गए, तो इनका वहाँ से हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश किए, तो सर अपन लोग फिसल के सर यहाँ तक आ गए। फिर अपने साथ जो है तो अतुल फूफा जी है, यही इसी गाँव के हैं, तो वो हम लोग को किसी तरह बाहर निकाले 3 लोगों को पकड़ पकड़ के। फिर उसके बाद मैं दौड़ते दौड़ते गया तो सर ऊपर से 3-4 लोग और व्यक्ति थे, उनको मुँह बुला लाया तो वो लोग भी यहाँ मतलब कि घुस के खोजे। फिर उसके बाद सर हम लोगों ने स्टॉल जो होती है तौलिया को 2 ठो बांध कर हमने यहाँ भी फेंका, मतलब कि पकड़ा के बाहर खींच ले सर, उसमें तब तक सर वो लोग डूब गए। उसके बाद सर एक तौलिया तो अपन हाथ में ही रह गई थी, दूसरी वो पकड़ा था तो छूट गई, और सर एक तौलिया जो कि सर इसमें पानी में मिली है। तो लगभग 6:30 घटना है और एक मृत युवक अभी मिला है, एक की सर्चिंग चल रही है अभी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है सर्च करने में, जैसे मिलती है कोई घटना की जानकारी अपडेट कराई जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।